हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में उपचुनाव की सियासत जमकर उबाल मार रही है। कांग्रेस और भाजपा में बयानों की जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी है। मुद्दों से भटकी कांग्रेस भाजपा पर गद्दारी और गाली नुमा भाषणों का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी तैयारी में जनता को लुभाने के जतन में जुटी है। ताजा तरीन तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहाँ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और इस शहर के मशहूर शराब व्यवसायी कमलेश साहू के बहुचर्चित स्मार्ट बार पर प्रशासन और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें कुछ शराब इस बार से पाई गई है जो प्रशासन ने जब्त की है। हालांकि प्रशासन ने मीडिया से बात करने से इनकार किया है, लेकिन इस स्मार्ट बार पर छापा क्यों पड़ा, इस पर कांग्रेस नेता कमलेश साहू, जो इस स्मार्ट बार के मालिक हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा आप ही सुने। बात यह है कि मैंने दो दिन पहले गोविंद राजपूत के खिलाफ एक बयान जारी किया था, जिसके फलस्वरूप यह मेरे ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की गई है। चूँकि बार 4 महीने से टोटल बंद है, सील है, उसने इसके लिए मेरे छवि को धूमिल करने के लिए यह कार्रवाई की। उस होटल से मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे नौकर मेरे बच्चे लोग देखते रहते हैं। जब सील लगी हुई है, आबकारी भी कह रही कि सील लगी हुई है, फिर कहाँ से आप पुलिस कैसे पहुँच गई, फिर वो तो एसडीएम साहब ने बुलाया सुना है। भाई कांग्रेस के एक और उपाध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है कि यह बदले भरी कार्रवाई कांग्रेस पर की जा रही है। सीधी सीधी क्या है कि जो परसों यूथ कांग्रेस की मीटिंग में कमलेश साहू जी ने जो भाषण दिया ना, उस भाषण को लेके दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है और प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग ऐसे इस तरीके से दमनकारी नीतियों का हम विरोध करेंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराएंगे और सारे नेताओं को हम लोग अवगत कराएंगे और उनको ये सारी बातें बताएंगे। दरअसल दो दिन पहले सुर्खी विधानसभा के बिलहरा गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश साहू ने कुछ तीखे भाषण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दिए थे, जिसमें टुच्चा शब्द के साथ मर्द की औलाद हो तो सामने आओ जैसे शब्दों के साथ भाषण दिए गए थे, जो एक गंदी राजनीति को जन्म देता है। आज सागर की बहुचर्चित स्मार्ट बार में पुलिस और प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। उसी बयान की क्रिया की प्रतिक्रिया से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। और बार बार जो आप नाम लेते हो ना, गोविंद गोविंद गोविंद, है कौन ये गोविंद? आपका बनाए एक टुच्चा इंसान बैठा है, ये दर्द निकालो भैया। दो दो भगवान ने हाथ दिए हैं आपको, दो रोटी आप खाते हो और दो रोटी वो खाता है। मर्द की औलाद है तो सामने आके बात करें, फोन पे नहीं, और अगर कुछ बात हो तो मैं खड़ा हूं। बहरहाल सियासत में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इस तरह की कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन भाषणों में एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर बोलना और बोलों में रंगदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, यह राजनीति में शोभा नहीं देता। प्रकृति इस बात की गवाही भी देती है कि जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। नफीस खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।